इस वीडियो में मैं बताऊंगा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप फ्लो बाय डार्सी फार्मूला। ठीक है, ये बेसिकली जब फ्लूइड फ्लो करता है एक पाइप में तो वो ये एक मेजर लॉस है, मतलब सबसे ज़्यादा लॉस जो फ्रिक्शन के वजह से होता है। हम लोग एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जो डार्सी ने दिया था, डार्सी एक साइंटिस्ट था। ठीक है, तो एक पाइप है जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म, मतलब इसके एरिया चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो डी है, और लेट सपोज ये जो हमें दिया हुआ लेंथ वो एल दिया हुआ इस पाइप का, इसमें वेलोसिटी जो फ्लूइड इंटर कर रहा है वो वी है। ठीक है, तो इसमें जो हेड लॉस अगर हमें पूछता है तो हमारे पास ये डार्सी फॉर्मूला है वो ये है हेड लॉस। हेड लॉस मतलब जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है, उस दौरान जो हेड लॉस होगा फ्रिक्शन के वजह से वो आएगा 4FLV² / 2GD। ठीक है, यही है डार्सी फॉर्मूला, इसे हम लोग बोलते हैं डार्सी फॉर्मूला या फिर डार्सी विश बैश। ठीक है, डार्सी विश बैश फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग, विश बैक या डार्सी विश बैश फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो एफ है वो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, एल जो है लेंथ ऑफ पाइप जिससे ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये भी दिया रहेगा। वी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो भी है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी जो है द डायमीटर ऑफ द पाइप है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसका मैं एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। ठीक है, इजी सा एग्जाम्पल है, फाइंड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm लेंथ। ठीक है, डायमीटर 300 mm, लेंथ 50 mm, थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 m/s, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.00256। ठीक है, ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो HF इक्वल्स टू, हमें इसमें क्या पूछा, हेड लॉस, हमारे पास डार्सी फॉर्मूला है। ठीक है, बाय डार्सी फॉर्मूला यहाँ लिख देना है, बाय डार्सी फॉर्मूला वी हैव HF इक्वल्स टू 4FLV² / 2GD। यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 mm। ठीक है, mm है, उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देते, 300 × 10⁻³ m। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है F इक्वल्स टू 0.00256। लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ है 50 m, और वेलोसिटी जो दिया हुआ है जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है एट वेलोसिटी ऑफ 3 m/s। ठीक है, अब ये सब चीज जो है दिया हुआ, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास हेड लॉस आ जाएगा। 4 × F का वैल्यू दिए डाल, L का वैल्यू डाल दिए, V का वैल्यू डाल दिए, ठीक है, V² ठीक है, 3 का स्क्वायर, 2 × Z = 9.81, D = 300 × 10⁻³, यह है डायमीटर। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो आ जाएगा 0.7828 m। मतलब इतना एनर्जी ये हेड के टर्म में हम लोग लिखते हैं, ये हेड लॉस है। ठीक है, लेंथ के टर्म में ये हेड लॉस आ गया हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन लॉस इन पाइप फ्लो कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।